मनुष्य भी कितना विचित्र प्राणी, अधिक से अधिक धन अर्जित करने की चेष्टा में अपने शरीर को ही नष्ट करता है, अपनी शक्ति खो देता है, अपना सामर्थ्य खो देता है। और जो धन अर्जित कर भी लिया वो कहाँ जाता है? उसी शक्ति और उसी सामर्थ्य को पुनः प्राप्त करने। अब कुछ लोग तो जीवन ऐसे जीते हैं जैसे इनका कभी अंत ही नहीं होगा, किंतु अंत सभी का होगा। और जब ये अंत निकट आता है, मनुष्य को आभास होता है कि उसने जीवन जिया ही नहीं। इसका कारण क्या है? लालसा। लालसा जन्म देती है लालच को, लालच जन्म देता है आपके ही विनाश को। इसलिए आज आपके पास जो भी है, जैसा भी है, उसके साथ जीवन जी, पूर्ण रूप से जीवन जी। आपके पास जितना भी धन है, शक्ति है, मान है, उसे सब में बांटना सीखें। बांटने से प्रेम बढ़ता है और प्रेम से ये जीवन और भी अधिक सुखमय हो जाता है। तो आइए और इसी प्रेम के साथ कहिए, राधे राधे। मनुष्य में जब भी शक्ति आती है वो स्वयं को बलवान समझता है। शक्ति आती ही उसमें अहंकार भी आ जाता है, अभिमान भी आ जाता है। कारण ये है कि वो एक सरल सी बात नहीं समझ पाता, ये सब जो है समय के कारण। समय से अधिक बलवान और कोई नहीं है। ये समय ही था जो रावण ने भक्ति से कैलाश को उठा ली। ये समय ही था जिस कारण से रावण का अंत हुआ, साथ ही राक्षस कुल का अंत हुआ, साथ ही लंका भस्म हो गई। देखा जाए तो जन्म से अंत तक का ये जो समय है ये जीवन, किंतु इसमें भी जो समय आता है किसी कारण से आता है, जिसे हम जी सकते हैं, जिसे हम सीख सकते हैं। तो आज जो समय है आपके हाथ में है, उसे मुट्ठी में बांध लें, उसे सहेज के रखें, उसे संजोएं, उसका अनुभव करें, उससे सीखें। इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। और इतना जान लीजिए कि भविष्य में जो कुछ भी हो सकता है, जो होने वाला है, वो ना तो आप जानते हैं ना वो आपके वश में है। इसलिए आज अहंकार और अभिमान करके भविष्य का अनर्थ मत कीजिए, स्वयं का अनर्थ मत कीजिए। यही समय का अर्थ है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। आपत्ति आपको त्रस्त करके रख सकती, परंतु ये आपत्ति हर एक के जीवन में किसी कारण से होती है। ये आपको दिखाती है कि आपकी क्या कमियां हैं, क्यों है। ये आपत्ति वो माध्यम है जिससे आप अपनी दुर्बलता को सबलता में बदल सकते हैं। किसी पुष्प को ही देखिए। एक पुष्प उसकी छाती में जब सुई छेद करके पार हो जाती है, तभी तो हमारे प्रभु के लिए फूलों की माला बनती है। इसलिए कभी भी इस आपत्ति से भयभीत मत होइए, इसे दूर मत जाइए, इसका स्वागत कीजिए। समझिए ये आपत्ति क्यों है। आपत्ति को समझेंगे तभी जीवन को समझ पाएंगे, जीवन को समझ पाएंगे तभी आपत्ति को संपत्ति में बदल सकते हैं। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, अत्यंत आवश्यक है हमारे जीवन, किंतु योजना कितनी लंबी होनी चाहिए, अर्थात इस योजना के विषय में आपको कितना सोचना चाहिए और कितने आगे के विषय में सोचना चाहिए। अब दूरदर्शिता अत्यंत श्रेष्ठ गुण है मनुष्य में, किंतु दूर की देखने में इतना मत उलझ जाइए कि निकट क्या है ये आप देख ही ना पाए। आज की छोड़ के आप केवल भविष्य के विषय में सोचते रहते हैं, ये अनुचित है। अब देखिए, योजना बनाइए किंतु उससे अधिक रही। इस क्षण का कुछ ज्ञात नहीं और आने वाले वर्षों के विषय में हम सोचते जाते हैं, मैं ये अनुभव करूंगा, ये आनंद प्राप्त करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, ये अनुचित है। योजित कीजिए, नियोजित कीजिए आज को, वर्तमान को, इस क्षण को। जीवन का वास्तविक आनंद भी यही है, जीवन जीने का सबसे अधिक श्रेष्ठ मार्ग भी यही है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहें,
राधे राधे। किसी वस्त्र में यदि छोटा सा छिद्र आ जाए और यदि हम उस पर ध्यान ना दें तो धीरे धीरे पूरा वस्त्र फट जाता है, किसी कार्य का नहीं रहता। यदि किसी नाव में एक छोटा सा छिद्र आ जाए तो धीरे धीरे पूरी नाव डूब जाती है। लक्ष्य की ओर आप अग्रसर हैं और एक छोटा सा अनुचित मोड़ आप ले लें तो वो आपको लक्ष्य से बहुत दूर पहुंचा सकता है। ऐसे ही संबंध के साथ भी होता है। कोई छोटी सी बात या छोटा सा मनमुटाव यदि किसी संबंध में आ जाए, यदि उसे सुलझाया ना जाए तो पूरा का पूरा संबंध, बड़े से बड़ा संबंध नष्ट हो जाता है। यदि आपके संबंध में एक छोटा सा छिद्र क्यों ना आ जाए, प्रेम की सुई और स्नेह के धागे से उसे सिल दीजिए ताकि आपका यह संबंध ये अटूट रहे और प्रेम से परिपूर्ण रहे। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।